हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पटेल्स किचन। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रोटी पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो बहुत इजी एंड सिंपल है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लेफ्ट ओवर चपातीज यानी कि रोटीज ले ली है, कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, ऑलिव्स, टमाटर, स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम, साथ में ले लिया है मायोनीज, टोमेटो केचप, क्रीम चीज़ और चिली सॉस, इटालियन सीजनिंग, चिली फ्लेक्स और चीज़। तो सबसे पहले मैं सॉस बनाऊंगी। तो सॉस बनाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टेबलस्पून मायोनीज और 1 टेबलस्पून क्रीम चीज़ मिक्स कर लिया है। आप रेडीमेड जो मार्केट में मिलता है वो पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हो, या फिर आपको मैंने होममेड बनाना सिखाया है वो पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इटालियन सीजनिंग और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए और मेरा पिज़्ज़ा सॉस रेडी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि रोटी के ऊपर सॉस को फैला दूँगी। तो ये मेरी लेफ़्ट ओवर रोटीज़ है। हमारे पास अक्सर ऐसा होता है कि रोटी बच जाती है, तो रोटी हमें डिस्कार्ड नहीं करनी है और ये यम्मी सा पिज़्ज़ा बना लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पर सॉस अप्लाई करके उसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर दिया है और साथ ही में मैं ऐड कर दूँगी वेजिटेबल्स। तो जो आपकी पसंद के वेजिटेबल्स हो वो ऐड कर दें और बस थोड़े से इटालियन सीजनिंग और चिली फ्लेक्स ऐड करके। तवा मैंने गरम होने रख दिया है और लो फ्लेम पर रखूँगी। तवा गरम होते ही मैं उसके ऊपर रोटी वाला पिज़्ज़ा ऐड कर दूँगी और 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है और उसे अच्छे से क्रिस्प होने देना है, क्रस्ट होने देना है। वो ये बड़ा यम्मी सा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा। आप क्रिस्पी नहीं रखोगे तो नहीं अच्छा लगेगा, इसीलिए इसे अच्छे से क्रिस्पी होने दे, लो फ्लेम पर रखे और कवर करके। तो चीज़ भी मेल्ट हो गया है और मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। तो कभी भी बची हुई रोटी को वेस्ट न करते हुए ये यम्मी सा पिज़्ज़ा बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो देखो, मेरा पिज़्ज़ा रेडी है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।